शहर गए अलाव, काप रहे गरीब। महुदा थाना अंतर्गत महुदा में ठिठुरन भरी सर्दी में फुटपाथ पर रात गुजारने वालों को देर रात कंबल वितरण किया गया। यह कार्यक्रम महुदा के लोकप्रिय जिला परिषद सदस्य सह जनता मजदूर संघ के केंद्रीय संगठन एवं भाजपा के युवा नेता संतोष महतो ने देर रात अपने समर्थकों के साथ पैदल दौरा करते हुए सड़क किनारे सो रहे गरीबों को कंबल दिए, साथ ही सड़क किनारे सो रहे लोगों से उनकी स्थिति की भी जानकारी ली एवं कभी भी किसी प्रकार की जरूरत होने पर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इसके बारे में जब संतोष महतो से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस ठिठुरती ठंड में क्या गरीब क्या अमीर, सभी को ठंड से काफी परेशानी होती है। प्रत्येक साल हजारों लोग सिर्फ ठंड की वजह से ही मौत के आगोश में सो जाते हैं। हजारों लोग ऐसे भी हैं जिनको गर्म कपड़ा नसीब नहीं होता है। इस तरह के हालातों में हम सभी को मनुष्य होने के नाते दया भावना के साथ आगे आकर एक अच्छी पहल करते हुए हम सभी को गर्म कपड़ों का दान देकर गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा संतोष महतो की धर्मपत्नी अनीता कुमारी ने भी अहले सुबह महुदा के लाल बंगलो स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को कंबल दिए। इस विषय में जब अनीता जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया, हमारे क्षेत्र में विधायक, पूर्व विधायक एवं कई छोटे बड़े नेता हैं, लेकिन फिर भी अभी तक किसी ने भी हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। हम अपने निजी मद से सड़क किनारे सो रहे गरीबों एवं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को कंबल दे रहे हैं। शायद हमारे इस पहल से लोग आगे आएंगे जिससे किसी गरीब का भला हो सके, क्योंकि इस सर्दी खुशियां बांटे, क्योंकि आपके इस सहयोग से जरूरतमंदों को ठिठुरती ठंड में राहत मिलेगा। मेरा क्षेत्र मौदा है, मैं क्षेत्र का जिला परिषद हूँ और मेरा गृह पंचायत है मौदा। क्योंकि रोज देखते हैं कि यहाँ पर गरीब आदमी लोग ठिठुरते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, लेकिन देखते हैं कि यहाँ किसी का ध्यान नहीं है इस पर ना, कोई आज तक झांकने नहीं आया बेचारा लोग। तो हम देखें, फिर हमको लगा कि भाई ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो आज ये लोग बेचारा लोग को जितना सबको मेरे अपना व्यक्तिगत मत से जो भी हुआ लोगों कमल के रूप में लोगों आज ये कमल दिए लोग। लोग पूछें कि अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। अभी तक पूरा मोदा क्षेत्र में कहीं कमल नहीं बटाया है। देखिए, कमल बांटना तो चाहिए, यहाँ बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, बहुत सारे पूर्व विधायक हैं, विधायक बांटना चाहिए उन लोग को। अगर हमको देख के अगर वो लोग बांटेंगे तो बहुत बढ़िया बात, हम तो आज पहल कर दिए इस ठंडा में, देखते हैं और बांटता नहीं बांटता। क्या लोगों से देना चाहते हैं? देखिए, एक सीजन होता है, एक माहौल होता है, एक जगह होता है, उस पर आदमी को मदद करना चाहिए, वो भी असहाय आदमी को। हमको लगा, हमने किया, ऐसा कोई विशेष ही नहीं है, लोग को बांटना भी चाहिए। जो अति है, अति धन रखते हैं वो लोगों को तो बांटना चाहिए सब, हम तो फिर भी कुछ नहीं। रात में इतनी बढ़ गई है तो हमने सोचा कि चलो गरीबों के लिए कुछ किया जाए और बस उन्हें मदद के लिए हम कंबल बांटने हैं। क्या निरंतर आगे ये चलते रहेगा? जी, जब तक समर्थ हैं हम तब तक चलते रहेंगे। सरकार से क्या बोलना चाह रहे हैं? सरकार से बस यही कहना चाहेंगे कि गरीबों के प्रति ध्यान दें और हमें सहयोग दें गरीबों के, उसको अभी तक सरकार की तरफ से मोहता क्षेत्र में किसी को सरकारी कंबल नहीं दिया गया है। क्या इस पर कहना चाहते हैं, चाहे मुखिया हो चाहे किसी भी तरह से? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जिनकी इच्छा हो दे। हमें तो ऐसा लगा कि ठंड बढ़ गई है, रात में कपकपी बढ़ गई है, तो गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए हम अपने निजी मत से वितरण करें।